और उनका यहाँ से आगमन हुआ था। और सबसे पहले जो कुछ बातें हैं इसमें, मैं आप सभी पटवारीगण बैठे हुए हैं, एसडीएम तहसीलदार भी बैठे हैं, तो मैं आपको एक बार ब्रीफ करना चाहूँगा। इनके मार्ग का निर्धारण, वो मार्ग उनका कौन सा है, उसमें कौन कौन से गांव आ रहे हैं और वहाँ से आने जाने में उनको कोई परेशानी नहीं हो। होता राम देवासी जी, उनसे हमारी चर्चा हो गई है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम कहीं पे भी ज्यादा देर एक रात जी। अच्छा सर, आपने वीसी ली है तमाम अधिकारियों के साथ, किस तरह के क्या निर्देश दिए हैं? आज उपखंड स्तर पे सभी उपखंड अधिकारियों और तहसीलदार और आईएलआर और पटवारियों के साथ साथ बीडीओस को भी हमने बुलाया था। और मुख्य रूप से आज जो चर्चा का विषय था वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, उसमें जो रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और जिसका वेरिफिकेशन पटवारियों को किया जाना था वो काफ़ी पेंडिंग चल रहे हैं। और अजमेर जिस स्थिति में अभी, इसमें प्रगति अच्छी नहीं हो पाई है। और इसमें मुख्य सचिव महोदय ने भी कल निर्देश दिए थे कि जो पेंडिंग हैं उनको तुरंत वेरीफाई करवाया जाए। तो उसके लिए सभी पटवारियों को, तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि सारे पेंडेंसी दूर करें। और इसके साथ साथ जो अभी नए गाइडलाइंस आए हैं उसके अनुसार जो बड़े किसान हैं वो भी इसके लिए पात्र हो गए हैं, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन आधार के माध्यम से एप्लीकेशन भरवा करके ऑनलाइन ई मित्र से करवाना होगा। उसके लिए हमने निर्देश दिया है कि सभी पंचायत समिति स्तर पे कैंप्स आयोजित किए जाएं। और जो नए इस नए परिपत्र के द्वारा जो बड़े किसान पात्र हो गए हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कराया जाए और एक हफ्ते के अंदर इसमें प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया गया। सर, क्योंकि मानसून आ रहा है तो मानसून को लेकर कोई विशेष निर्देश, जल संरक्षण को लेकर कोई निर्देश? मानसून को लेकर के सबसे पहले तो हमने ये निर्देश दिया है कि जो नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के क्षेत्र में जो नाले हैं उनकी साफ़ सफाई हो जाए। और जिन नालों की सफाई हो गई है उनके लिए मैंने एसडीएम्स को निर्देशित किया है कि सूची मंगवा लें, उनके फोटोग्राफ्स तक देख ले और उनका वेरिफिकेशन भी कराएंगे वास्तव में उसकी सफाई हुई है या नहीं है। इसके साथ साथ चारागा विकास के प्रस्ताव हम लोगों ने नरेगा के माध्यम से लिए, हर ग्राम पंचायत में एक चारागा विकास का प्रस्ताव लिया है और उसमें हर ग्राम पंचायत में हाईकोर्ट के भी द्वारा निर्देशित किया गया है कि 100-100 पेड़ लगाए जाएंगे। तो इसके लिए भी हमने निर्देशित किया कि सभी ग्राम पंचायतों में चारागा विकास के कार्य जो हैं उसको तुरंत कराएँ और जो 100 पेड़ लगाने के निर्देश दिए गए हैं उसको पूरा कराएँ। इसके साथ साथ मॉडल तालाब भी हर ग्राम पंचायत में एक विकसित करना है, जिसके हमने पहले से ही दिशा एफएस वगैरह जारी कर दिए थे। तो ये निर्देशित किया सारे बीडीओस को कि ये मॉडल तालाब और चारागाह विकास और जल संरक्षण के जो भी कार्य हैं उसको कराएं।